तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द ऑक्सिलरी विल फील दैट। हमने फोर्थ चैप्टर के अंदर आप लोगों को याद होगा कि गाज़ेज़ लॉ इन डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पढ़ा था, तो उसी के पैरेलल जो है मैग्नेटोस्टेटिक्स में एम्पियर्स लॉ इन द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। तो बोला कि हम यहाँ पर एम्पियर लॉ इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल पढ़ेंगे और इसी लॉ के अंदर हम जो है एक ऑक्सिलरी फील्ड एच को भी डिफाइन करेंगे। ऑक्सिलरी फील्ड एच क्या होता है? In section 6.2, we found that the factor of magnetization is to establish the bound currents. JB is equal to del cross M within the material and KB is equal to M cross N on the surface. क्योंकि ये bound surface current है और ये bound volume current है. Bound volume current inside the material होता है और bound surface current on the surface होता है. The field due to magnetization of medium is just the field produced by these bound currents. We are now ready. We are now ready to put everything together. The field attributable to the bound currents plus the field due to everything else, which I shall call the free current. The free current might flow through the wires embedded in the magnetized substance, or if the latter is the conductor through the material itself. Bound currents magnetization की वजह से पैदा होते हैं दो किस्म के bound currents, यानी JB plus KB. तो वॉल्यूम बाउंड करंट्स और इसके अलावा फ्री करंट्स, जो जब हम टोटल करंट्स की बात करते हैं तो इन दो करंट्स को जमा करते हैं जे बी प्लस जे एफ विच आई शैल कॉल द फ्री करंट। जे एफ जो है वो फ्री करंट है, जे बी वॉल्यूम बाउंड करंट्स हैं। तो हम इन टोटल करंट्स की वजह से जो है हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं एम्पियर लॉ इन दोनों करंट्स की वजह से। वैसे जो फ्री करंट की वजह से एम्पियर लॉ हमने पहले पढ़ा हुआ था कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये हमने पहले पढ़ा हुआ। तो अब हमने दोनों करंट्स की वजह से यानी मैग्नेटाइज्ड इन द मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड इन जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की वजह से उसके अंदर जो बाउंड करंट्स पैदा हो जाते हैं उसकी वजह से भी साथ हमने एम्पियर लॉ लिखना है। देयर इज नो न्यू फिजिक्स इन द इक्वेशन 6.17, यानी इसमें कोई नई फिजिक्स नहीं है। इट इज सिंपली अ कन्वीनियंस टू सेपरेट द करंट इनटू दीज टू पार्ट्स बिकॉज दे गॉट देयर बाय क्वाइट डिफरेंट मींस। द फ्री करंट इज देयर बिकॉज सम बॉडी हुक्ड अप ए वायर टू अ बैटरी। क्योंकि फ्री करंट ये करंट होता है ना कि जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त जो करंट फ्लो करता है उसे हम फ्री करंट बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह आप फ्लो करते हैं। बाउंड करंट इज देयर बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जबकि जो बाउंड करंट्स होते हैं वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से होते हैं। It results from the conspiracy of many aligned atomic dipoles. In view of equation 6.13, ये एम्पियर लॉ है 6.13, और 6.17 जो कि JF is equal to JF plus JB है, एम्पियर लॉ can be written as 1 over mu naught del cross B is equal to J. यहाँ तक ये एम्पियर लॉ हमने पहले पढ़ा हुआ था। अब इस J की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं जो कि JF plus JB के बराबर है, और JF plus JB जे बी जो है ये 6.13 में हमने ड्राइव किया है कि डेल क्रॉस एम के बराबर है, क्योंकि ये बाउंड करंट है, बाउंड वॉल्यूम करंट है, तो ये डेल क्रॉस एम के बराबर है। और आर कलेक्टिंग टुगेदर द टू कर्ल्स, तो इस तरह से 1 ओवर म्यू नॉट डेल क्रॉस बी माइनस डेल क्रॉस एम, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस डेल क्रॉस एम इज इक्वल टू जे एफ। डेल जो है दोनों से कॉमन निकालें, कॉमन निकालेंगे तो डेल क्रॉस 1 ओवर म्यू नॉट बी माइनस एम इज इक्वल टू जे एफ। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। हम यहाँ पे जो 1 ओवर म्यू नॉट है, यानी 1 ओवर म्यू नॉट ये चीज़, ये इसको हम H मानते हैं, इसको हम ये कहते हैं कि ये H है, ठीक है। इसी को हम ऑक्सिलरी फील्ड के तौर पे डिफाइन भी करते हैं। सो द क्वांटिटी इन पेरेंथेसिस इज डिजाइनेटेड बाय द लेटर H, एंड H इज डिफाइंड एज 1 ओवर म्यू नॉट बी माइनस एम, 1 ओवर म्यू नॉट बी माइनस एम। ये चीज़ जो है यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पे है 1 ओवर म्यू नॉट बी माइनस एम। इन टर्म ऑफ एच देन एम्पियर्स लॉ रीड्स, ये एच की वैल्यू जो है इसी प्रीवियस इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं, तो यानी इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हम एच की वैल्यू पुट करते हैं, ये बन जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ। तो इस तरह से हमारे पास ये एम्पियर लॉ की एक और फॉर्म आ गई, लेकिन इस फॉर्म में जो है ये बाउंड करंट्स के लिए भी ये एम्पियर लॉ वैलिड है और फ्री करंट्स के लिए भी ये एम्पियर लॉ वैलिड है, दोनों के लिए। यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम, दोनों तरफ से हम इंटीग्रल ले लेते हैं, इस तरफ से भी हम इंटीग्रल ले लें और इस तरफ से भी हम इंटीग्रल ले लें। तो ये इंटीग्रल जब हम लेंगे और इसको ये सरफेस इंटीग्रल ले लें, इस साइड पर भी सरफेस इंटीग्रल होगा, तो यहाँ पर
डी ए से, यहां पर हम डी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी डी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां पर जब हम इंटीग्रल लेंगे, यहां पर हम इंटीग्रल लेंगे और डी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम स्टोक्स थ्योरम की मदद से यूं लिख सकते हैं, इंटीग्रल डेल क्रॉस वी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी एल। अब यहां पर वी की बजाय एच है, तो ये बन जाएगा फिर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल, ये चीज आ जाएगी इज इक्वल टू जे एफ डी ए, जे एफ डी ए यानी जे एफ डी ए, तो जो जे एफ डी ए था वो आई एफ इनक्लोज के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ही हमारे पास जो है एम्पियर लॉ की इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगी, एम्पियर लॉ की इंटीग्रल फॉर्म। लेकिन ये मैग्नेटाइज मटीरियल के लिए है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एफ आई एफ इनक्लोज, वेयर आई एफ इनक्लोज इज द टोटल फ्री करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, ये एम्पीरियन लूप में से पास करने वाला करंट है। एच प्लेज अ रोल इन द मैग्नेटोस्टैटिक्स एनालॉगस टू डी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जस्ट एज द डी, ये डी जो है ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, जस्ट एज डी अलाउज अस टू राइट द गॉसियन लॉ इन टर्म ऑफ फ्री चार्ज अलोन, एच परमिट्स अस टू एक्सप्रेस द एम्पीयर लॉ इन टर्म ऑफ फ्री करंट अलोन, एंड अ फ्री करंट इज जस्ट बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली, बाउंड करंट लाइक बाउंड चार्जेस कम अलॉन्ग फॉर द राइड द मटीरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड एंड दिस रिजल्ट इन द बाउंड करंट्स, वी कैन नॉट टर्न देम ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली एज वी कैन our free currents. In applying 6.20, all we need to worry about is the free current, which we know about because we put it there. In particular, when the Smith key permits, we can calculate H immediately from the equation 6.20 by usual Ampere law methods. For example, problem 6.7 and 6.8 can be done in one line by noting that H is equal to 0. So, यहाँ पे ये बात की गई कि आई एफ जो है ये फ्री करंट्स है, फ्री करंट्स वो करंट है जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर हम बैटरी के साथ लगाएं तो जो करंट उसमें से फ्लो करने लग जाए वो फ्री करंट होगा, अगर फ्लो करने लग जाता है तो फ्री करंट होगा, अगर करंट फ्लो नहीं करता तो वो फ्री करंट नहीं होता। तो इस तरह से हम एच को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एम्पीयर लॉ का हम जो तरीकाकार है एम्पीयर लॉ से, जिस तरह से एच को हम फाइंड आउट करते हैं कि लाइन एक एम्पीयर लूप लेते हैं, एम्पीयर लूप में से जो करंट गुजरता है उसको हम फ्री करंट बोलते हैं, और इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इंटीग्रल सॉल्व करते हैं अलॉन्ग दी एम्पीरियन लूप, तो इस तरह से हम एच को फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमीबिलिटी इन पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मटीरियल, मैग्नेटाइजेशन इज सस्टेंड बाय द फील्ड व्हेन बी इज रिमूव्ड एम डिसअपीयर्स, क्योंकि सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नेटाइजेशन बरकरार रहती है, जब बी को रिमूव किया जाता है तो भी मैग्नेटाइजेशन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स में बरकरार रहती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जब हम रिमूव करते हैं पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स में या डायामैग्नेटिक मटीरियल्स में तो मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाती है। इनफैक्ट फॉर द मोस्ट सब्सटेंसेस द मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड, कि जितनी आप जारी बात मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, अप्लाइड फील्ड बढ़ाओगे किसी भी मटीरियल पर तो उसमें मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। Provided the field is not too strong, for the national consistency, notational consistency with the electrical case, I should express the proportionality. Thus, M is equal to, यानी M is directly proportional to B, ये उसी से है, और ये जो है ये proportionality constant है, लेकिन ये equation incorrect है, इसका मतलब ये है कि magnetization directly proportional to magnetic field B नहीं है, but custom dictates that it can be written in term of H instead of B, कि magnetization जो है ये अमूमन H की directly proportional होती है, ना कि बी के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टिव, यानी एक्सिलरी फील्ड जो हमने अभी ड्राइव किया है इसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शन में दिया है, एक्सपेरिमेंटली जो है इस बात को लिखा गया है, ठीक है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी काई एम इज कॉल्ड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट वेरीज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस, पॉजिटिव फॉर द पैरामैग्नेटिक्स, नेगेटिव फॉर द डायामैग्नेट्स, टिपिकल वैल्यूज आर 10^-5। तो डायामैग्नेट्स के लिए जो है ये नेगेटिव होती है और पैरामैग्नेट्स के लिए ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगर डेफिनेशन की जाए तो ये होगी काई एम इज इक्वल टू एम ओवर एच, यानी जब यूनिट एक्सिलरी फील्ड हो तो उस वक्त जो मटीरियल की मैग्नेटाइजेशन होती है उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का नाम दिया जाता है। मटीरियल दैट ओबे इक्वेशन 6.29 आर कॉल्ड द लीनियर मीडिया, इन व्यू ऑफ इक्वेशन 6.18 बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ये जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी है एक ये है एम इज इक्वल टू काई एम एच, और एक इक्वेशन हमने इधर पढ़ी है 6.18। अब इसमें से अगर जो है हम बी की वैल्यू निकालें तो वो निकाल सकते हैं, एम इस तरफ चला जाएगा एच प्लस एम, और फिर ये मी नॉट उस तरफ जाएगा, तो बी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें से 66 इक्वेशन को हम यूज़ करके जो भी वेरिएबल फाइंड आउट करना चाहें। सो बी इज इक्वल टू मी नॉट एच प्लस एम, और एम की वैल्यू हम जानते हैं
कि m इज इक्वल टू फाइव एम एच, तो यहाँ पर m की जगह पे हम फाइव एम एच पुट करते हैं, तो फिर h को कॉमन निकालेंगे, सो म्यू नॉट वन प्लस फाइव एम इंटू एच फॉर द लीनियर वीडियो दस बी इज प्रोपोर्शनल टू द h। तो अब ये जो पूरे का पूरा जो फैक्टर है इसको हम म्यू के बराबर रख लेते हैं, सो b इज इक्वल टू म्यू एच, और ये जो म्यू है इसको हम ये डिफाइन करते हैं, म्यू इज डिफाइंड इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस का एम, यानी इस पूरे को हम म्यू बोलते हैं। म्यू इज कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल है ये म्यू। इन वैक्यूम वेयर देयर इज नो मैटर टू मैग्नेटाइज द ससेप्टेबिलिटी वैनिशेस, कि वैक्यूम के अंदर जहाँ पे कोई मटेरियल ना हो तो वहाँ पर ससेप्टेबिलिटी जीरो होती है, तो इस वजह से परमेबिलिटी इज म्यू नॉट, तो उस वक्त जो परमेबिलिटी होती है वो म्यू नॉट होती है, और इस म्यू नॉट को हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। यानी जब कोई मैग्नेटाइज मटीरियल मौजूद ना हो, जब तक कोई मटीरियल मौजूद ना हो और फ्री स्पेस हो, तो उस वक्त ये जो म्यू है म्यू नॉट के बराबर होता है। इस वक्त ये इक्वेशन है, यहाँ पर कुछ मटीरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दी गई है, जैसे कि बिस्मिथ है, गोल्ड है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, तो इसी तरह से ये पैरा ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। आप ये देखें कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, जबकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, सोडियम है, एलुमिनियम है, टंगस्टन है, प्लाटीनियम है, लिक्विड ऑक्सीजन है, गोडोलीनियम है, तो ये सारे के सारे जो है इनकी जो है ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है। तो ससेप्टेबिलिटी दरअसल मैग्नेटाइजेशन को मेयर करने का एक मेथड है, और ये हर मटेरियल के लिए ये मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। इसका मतलब ये है कि कोई मटेरियल कितना अच्छा मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, तो इसका ये नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने ये कहा था ना कि वो लेंसेज लॉ की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में पोल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन पैदा हो जाती है, तो ये नेगेटिव उसी वजह से है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाती है मटीरियल के अंदर जो डायमैग्नेटिक मटीरियल्स हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन पैदा हो जाती है।